आरएस के पोर्टल पर कक्षा 5 और 8 के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि के ऑप्शन दे दिए गए हैं, और इस बार जो प्रविष्टि के ऑप्शन हैं वो मूल्यांकनकर्ता के लॉगिन पर दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि जो वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक हैं इनकी प्रविष्टि आरएस के पोर्टल पर मूल्यांकनकर्ता कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं। इसकी जो प्रोसेस है दो चरणों में होगी। पहले चरण में जो हेड वैल्यूअर हैं मुख्य मूल्यांकनकर्ता वे मूल्यांकनकर्ता को मैप करेंगे, ऐड करेंगे, और इसके उपरांत इन्हें कॉपियां ईशू करेंगे। जब कॉपी ईशू हो जाएगी और मूल्यांकनकर्ता के द्वारा कॉपियों की जाँच कर ली जाएगी, इसके उपरांत मूल्यांकनकर्ताओं को आरएस के पोर्टल पर लॉग इन करना है अपने यूज़र नेम पासवर्ड से और इसमें प्राप्तांकों की प्रविष्टि करना है। आइए देखते हैं शुरू से प्रोसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मूल्यांकन करता है इन्हें हेड वैल्यूअर कैसे कॉपी ईशू करेंगे, कैसे इन्हें ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र में आरएस के पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें rskmp.in, इतना टाइप करके सर्च कर लें। सर्च करने के उपरांत हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां सबसे पहले तो हेड वैल्यूअर को अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। अब लॉगिन आईडी जो यूज़र आईडी है आपका यूनिक आईडी होगा, जैसे हम इसमें एक यूनिक आईडी फिल करते हैं। इसके उपरांत आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। अब डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है वो भी हम बता देते हैं, जैसे इसे हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। आपको ऐसे टाइप करना, जैसे मान के चलते हैं यदि हमारी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1985 है तो आपको 01/01/1985 इसमें टाइप करना होगा। तो इस प्रकार से आपका पासवर्ड हो जाएगा और जो कैप्चा कोड दिया है इसे आपको फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो कुछ नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कार्य आपको करना है अपने मोबाइल में, क्योंकि आप जो कार्य है मोबाइल से ही करेंगे मैक्सिमम शिक्षक, इसलिए हम प्रोसेस भी मोबाइल से ही बता रहे हैं। तो आपको मोबाइल में ऊपर 3 डॉट या जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन आएगा, इसके सामने एक चेक बॉक्स है, इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है या लॉगिन पेज आ सकता है। तो हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं इसमें, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड है इसे फिल कर देते हैं, और इसके उपरांत सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल का डिस्प्ले है थोड़ा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर करना क्या है, चूँकि हमने हेड वेल्वर के लॉगिन आईडी से इसमें लॉगिन किया है, तो आपको 5th & 8th exam 2022-23 इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबसे पहले आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड है एक्सटर्नल मार्क एंट्री। तो हमें जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है यदि हम हेड वैल्यूअर हैं तो। जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहां पर देखेंगे कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आप जिस विषय के हेड वैल्यूअर होंगे वो सब्जेक्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। अब आपको क्लस्टर ऑफ एग्ज़ाम सेंटर यहां पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है कि किस जनशिक्षा केंद्र की कॉपी आपने इशू करना है आपको। तो सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक जनशिक्षा केंद्र सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जनशिक्षा केंद्र के अंतर्गत किस परीक्षा केंद्र की कॉपी आप दे रहे हैं तो वो परीक्षा केंद्र आप यहाँ से सेलेक्ट करें। एग्ज़ाम्पल के लिए हम केवल सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके उपरांत मूल्यांकनकर्ता का जो नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जितने मूल्यांकनकर्ता होंगे उन सभी के नाम आ जाएंगे संबंधित सब्जेक्ट के। तो इनमें से आपको जो मूल्यांकनकर्ता है इन्हें सेलेक्ट करना है, और इसके उपरांत जो रोल नंबर है सारी कॉपियों के रोल नंबर आ जाएंगे कि कुल कितनी कॉपियाँ इसमें जो परीक्षा केंद्र है इसमें हैं। अब इसके उपरांत लास्ट में आप देखेंगे कि 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें संख्या फिल करना है कि कुल कितनी कॉपी संबंधित जो मूल्यांकन करता है इन्हें हम देना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले से संख्या लिखी हुई है तो आपको इसे डिलीट करना होगा, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप संख्या डाल दें, मान के चलते हैं 10 कॉपी हमने इशू किया तो हमने 10 टाइप किया और ऐड पर क्लिक किया। अब जैसे ही ऐड पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अंतिम रोल नंबर से ज़्यादा की संख्या दर्ज नहीं होगी। तो आपको अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिजिट हैं वो दिखाई देने लगे हैं, तो इन्हें आपको डिलीट कर देना है, और जितनी कॉपी आप इशू करना चाह रहे हैं उतनी कॉपी उतनी संख्या आप यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे 10 हमने करना है तो हमने 10 टाइप कर दिया और ऐड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं रोल नंबर अलॉटेड सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना है और नीचे मैसेज भी आ जाएगा कि आपने कुल कितनी कॉपी इन्हें अलॉट किए हैं। अब यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो इसे आप सुधार भी सकते हैं। यहाँ पर एक पेंसिल का आइकॉन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके जो कॉपियों की संख्या है कम ज़्यादा इसमें आप कर सकते हैं। हो सकता है आपने कम कॉपियाँ इशू की हो या फिर ज़्यादा कॉपी इशू की हो, तो आप यहाँ से जो संख्या है इसे अपडेट कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि हमने एक कॉपी इशू किया है तो हम एक कर देंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे, यहां पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा जिसे आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार से हमने जो मूल्यांकन करता है
उन्हें कॉपियों को इशू कर दिया है। अब जो मूल्यांकन करता है वे अपने लॉगिन आईडी से इसमें लॉगिन करके जो प्राप्तांक है इनकी प्रविष्टि करेंगे। आइए देख लेते हैं कि प्राप्तांकों की प्रविष्टि कैसे करना है। तो इसके लिए हम जो हेड वैल्यूअर के लॉगिन आईडी है इसे लॉगआउट कर देते हैं और इसके उपरांत जो मूल्यांकन करता है उसके लॉगिन आईडी से इसमें लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं जो मूल्यांकन करता है उनके लॉगिन आईडी से। कैप्चा कोड हमें फिल करना होगा और इसके उपरांत लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम प्राप्तांकों की प्रविष्टि कर सकते हैं। प्राप्तांकों की प्रविष्टि करने के लिए सिंपली फिफ्थ एंड एट्थ एग्जाम इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक्सटर्नल मार्क्स एंट्री इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आ जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूल्यांकनकर्ता को जो कॉपी इशू हुई है उनका क्रमांक आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको क्रमांक सेलेक्ट कर लेना है और इसके उपरांत यहाँ पर आप देखेंगे कि डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, जैसे आप देखेंगे कि छात्र का नाम दिया गया है, यहाँ पर छात्र का रोल नंबर है, छात्र का नाम है, समग्र आईडी है। आपको सिंपली लास्ट में जो पेंसिल का आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर में मार्क्स आपको देना होगा। मार्क्स देने के लिए आप जीरो नंबर और एक नंबर, जैसे एक से दस तक क्वेश्चन है तो इनमें से दो में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार जो अगले आंसर है इसमें जो आपने मार्किंग की होगी उसके लिए भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, अब इसमें जीरो नंबर मिला है छात्र को, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, जो भी नंबर मिले होंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि आधा नंबर मिला है तो उसके लिए लास्ट में इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो आधा नंबर के लिए लास्ट में जो चेक बॉक्स है इस पर आपको टिक करना होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो बड़े क्वेश्चन दिए गए थे 21 से 24 तक संबंधित विषय में, इसके लिए भी मार्किंग दी गई है 0 से लेकर 5 तक और आधे नंबर की भी। तो आपको संबंधित ऑप्शनों को सेलेक्ट करना है और वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे संबंधित छात्र के जो मार्क्स हैं, जो वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक हैं, वो RS के पोर्टल पर प्रविष्ट हो जाएंगे। अब इसके उपरांत हेड वैल्यूअर इसे एक बार और रीचेक करेंगे अपने लॉगिन आईडी से और इन प्राप्तांकों को लॉक करेंगे RS के पोर्टल पर। तो इस प्रकार RS के पोर्टल पर जो मूल्यांकन करता है इनके द्वारा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि की जाना है, जो कि बहुत ही आसान है। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है लेकिन जो कार है इसे आप सावधानी से करें और अपने मोबाइल से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये थी RS के पोर्टल पर प्राप्तांकों की प्रविष्टि के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।